हेलो दोस्त, रेलवे LPCVT 2 परीक्षा 2018, जिसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का टॉपिक है और ये पार्ट ए में आपका आने वाला है और क्लास नंबर 10 है। किसका? बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, जिसमें हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जिसे बोलते हैं हिंदी में पर्यावरण शिक्षा, जिसका भाग एक है। तो पर्यावरण शिक्षा की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ी वीडियो होती है, बहुत बड़ा टॉपिक भी है आपके लिए, लेकिन हम इसको छोटे छोटे में करेंगे, इसलिए पार्ट वन से हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव LP चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो पर्यावरण शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो टॉपिक आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आपका विषय है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी बोलते हैं, मानव स्वास्थ्य जिसको ह्यूमन हेल्थ बोलते हैं, जंगल जिसको फॉरेस्ट्री रीजन कहते हैं, और जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। और इसी को संरचना के आधार पर अगर करें तो जीव मंडल है, और जीव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा होता है। उसके बाद स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों चारों का अध्ययन करना होता है। तो प्राकृतिक शिक्षा को जैसे ही देखेंगे आपको लगेगा पूरा ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ रहे हैं पूरी तरह से, और पूरी भूगोल पे ही ये कंसेप्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में ही भी मेन मेन पॉइंट से प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक पे आपको गहरा नहीं जाना है। अगर अगर पढ़ने लगे तो पूरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तभी ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन समाप्त नहीं होगा। तो टॉपिक वाइज एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी थोड़ी प्रश्न ले लेते हैं, यहाँ पे 10 प्रश्न लेंगे। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की प्रतिशत पाया जाता है, तो यहाँ शुष्क हवा दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा ड्राई एयर की बात कर रहा है। तो नाइट्रोजन में हम अगर जाते हैं तो पृथ्वी का हमारा N कितना परसेंट होता है? 78% होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है, प्लस में आप पॉइंट छोड़ दीजिए, फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कौन सी गैस आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग CO2 लिख देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा CO2 चौथे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है ऑर्गन। तो ऑर्गन की परसेंटेज कुछ है पॉइंट में, उसको भी आप याद रखिएगा, पॉइंट से कम है सारे। और कह सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के, N2 ऑक्सीजन मिला के पूरी पृथ्वी के 99 से प्लस 0.12 या 3% एयर है वो पूरी ब्रह्मांड का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में है। तो नाइट्रोजन का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा D, ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये होगा। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 के पूछ दिया जाए तो आपका 0.03 होगा, ये तीनों मेनली पूछा जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे, ये बोला है निम्नलिखित में से नोबेल गैस, और नोबेल गैस को अगर हम जानते हैं अक्रिय गैस में, ये भी कई बार पूछ दिया जाता है, अक्रिय गैस को नोबेल गैस बोलते हैं। गैसों में वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो देखिए हमने ऑर्गन को किसके नंबर पर रखा था? तीसरे नंबर पर, तो यानी ये पाया जाता है। हीलियम भी पाया जाता है, नियोन पाया जाता है, और नियोन हम भरते हैं आपके ये सारे जितने भी निष्क्रिय गैस होता है, फिलामेंट टाइप के जो लैंप होते हैं उसमें वैक्यूम बनाने के लिए ये सारे गैस भरे जाते हैं, जिससे आपकी फिलामेंट की लाइफ बढ़ जाए। तो ये भी एक प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन रेडान वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, इसको मतलब ये कह सकते हैं कि ये वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका C होगा। उसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का वायुमंडल में नहीं है? तो यहाँ कह रहा है CO2 का ऑक्सीजन अवशोषण, शोर का अवशोषण, वायु प्रदूषण रोकथाम और ऑक्सीजन विमुक्त। तो पेड़ पौधा से क्या करता है, जब ऑक्सीकरण करता है तो ऑक्सीजन O2 बाहर निकलता है, किसके साथ? जल वाष्प के साथ। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक प्रश्न तो आपके पास यहाँ ये ऑक्सीजन होता है, दूसरा वायु प्रदूषण में बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है रोकथाम के लिए कौन? पेड़ पौधे, लेकिन शोर के कंडीशन में कुछ नहीं करता। तो ये राइट आंसर आपका यहाँ पे B है। और CO2 क्या है? CO2 का अवशोषण, पेड़ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है और ऑक्सीजन और जलवाष्प को बाहर की तरफ निकालता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये तीनों पॉइंट है, आपका B नहीं है। और ये बेसिक साइंस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसकी टॉपिक आपको देखना है सारा। उसके बाद हमारे पास है चौथे नंबर पर पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में किस संकल्पना किया था, किसने किया था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए चार्ल्स डार्विन का आपको जानते हैं, इनका विकासवादी सिद्धांत था।
विकासवादी सिद्धांता टसले और हसले का रिलेशन प्राकृतिक से नहीं है। तो जी टेलर, आपके पास राइट आंसर है। जी टेलर ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की थी सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास पांचवें नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र का किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ जीव जल मृदा जल जीव वातावरण और मनुष्य और वन की बात कर रहा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक बहुत बड़ा तंत्र है जिसमें दो चीज़ को सम्मिलित होता है। जैसे हमने पहले वीडियो के पहले ही भाग में बात कर लिया था पारिस्थितिकी तंत्र का, तो यहाँ पे आपको इसका सवाल का आंसर मिल जाएगा। देख सकते हैं जीव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल मिला के क्या बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। और पारिस्थितिकी तंत्र किसका अध्ययन करता है, वातावरण और जीव के बीच का। तो यहाँ पे आपका नंबर, प्रश्न नंबर 5 आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 5 में आपको डी आंसर है, जीव एवं वातावरण का अध्ययन ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न क्या सी है, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा मंडल सबसे बड़ा है। तो ये प्रश्न में हम शुरू में ही बात कर लिए है, जीव मंडल को सबसे बड़ा बोला जाता है, और जीवोम और जल मंडल, और जीवोम तो छोटा पार्ट है, जल मंडल और स्थल मंडल और वायुमंडल उससे छोटा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी है, जीव मंडल सबसे बड़ा है पारिस्थितिकी तंत्र में। उसके बाद हमारे पास आ गया पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला आपने शुरू से ही पढ़ा होगा, तो खाद्य श्रृंखला में बता रहा है कि सही क्रम क्या है उसको बताना है। तो खाद्य श्रृंखला में हम थोड़ी सी इसको डिटेल में थोड़ी सी पढ़ लेंगे तो हमारे लिए आगे के कई सारे प्रश्न होगा। और खाद्य श्रृंखला को जैविक घटक का आगे की संरचना है, जैविक घटक जिसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, इसके बारे में ये अध्ययन करता है। इसके बारे में अगर देखें तो हमारे पास तीन होते हैं, पहला आपका उत्पादक होता है जिसे कंज्यूमर बोलते हैं, दूसरा आपका उपभोक्ता होता है जिसे वो प्रोड्यूसर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें एक एक करके अगर देख लें, पहले स्टेज पे होते हैं प्रोड्यूसर जो उत्पादन करते हैं, और ये प्रोड्यूसर कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पौधा सभी में पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे वो होते हैं जो पौधे के उत्पादक नहीं कंज्यूमर होते हैं लेकिन पौधे पे निर्भर रहते हैं, और कह सकते हैं ये शाकाहारी, इसको आगे हम बात करेंगे तो शाकाहारी होते हैं। तो इसमें से देख सकते हैं कौन से नंबर पे आ रहा है, यहाँ कीट देख सकते हैं, कुछ प्रकार के कीट है जो पौधे को खाते हैं, और उसको तीसरे स्थान पे जो होते हैं जिसको द्वितीय उत्पादक यानी कंज्यूमर बोलते हैं। द्वितीय कंज्यूमर किसको खाता है, आपका जो शाकाहारी होते हैं उनको खाते हैं। तो उसमें देख सकते हैं मेंढक कीट को खाता है, और तीसरे में जो होते हैं सर्वहारी होते हैं जिसको बोलते हैं ओमनीबोरस, और ओमनीबोरस कौन टाइप के हैं, तो यहाँ सांप देख सकते हैं मेंढक को खाता है। तो ये श्रृंखला इस तरह से है, पौधा कीट मेंढक और सर्प। तो ये राइट आंसर आपके पास बी है, और यहाँ से अगर बदल देंगे एक तो सिचुएशन आपका चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा इसकी श्रृंखला बनी रहे, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं भोजन की श्रृंखला जो बनी हुई है उसे वो बताना है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न क्या 8 है जिसे हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक का कौन उत्पादक है। तो उत्पादक को हमने बात अभी किया था, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है, यहाँ पे देखिए कीट मेंढक मनुष्य और हरा पौधा है। तो कई बार देख लेते हैं लोग मनुष्य राइट आंसर होगा जी, इसको टिक कर दो। तो ध्यान दीजिएगा मनुष्य उत्पादक नहीं है, मनुष्य तीनों टाइप का। तो यहाँ पे आपको मनुष्य से विचार नहीं करना है, सबसे पहले उत्पादक बताना है। तो उत्पादक होता है हरा पौधा, और जैविक घटक के सबसे पहले स्टेज पे होते हैं हरा पौधे, दूसरे पे होते हैं शाकाहारी, ध्यान दीजिएगा शाकाहारी याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे होते हैं मांसाहारी जिसे सेकंड सेकंड उत्पादक भी कहा जाता है मांसाहारी, और तीसरे नंबर चौथे नंबर पे होते हैं सर्वाहारी, और पांचवा नंबर भी एक है जिसको बोलते हैं डीकम्पोजर जिसमें कवक लव वगैरह फंगस वगैरह आते हैं। तो ये 4 1 5 हरे पौधे से लेके कवक तक का श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला में काम लिया जाता है। तो हरे पौधे याद रखिएगा यहाँ पे उत्पादक है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या 9 है, पोषक तत्व का स्तर पर कौन है, पोषक तत्व के प्रथम स्तर। तो हमने पहले भी बात कर लिया हरे पौधे, और यहाँ भी हमने बात किया पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक का उत्पादक कौन है। तो दोनों क्या है, हरे पौधे हैं। यहाँ भी आपका आंसर आपका ए था, और यहाँ भी आंसर आपका ए रहेगा, और इसको हम आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इसको आगे हम हरे पौधे को डिटेल वन बाय वन करेंगे।
तो इसको हम स्टेप में लाएंगे तो एक सबसे पहले हरा पौधा उत्पादक होता है, उसके बाद कह सकते हैं गाय बकरी घोड़ बकरी हिरन और कुछ कीट, ये किसी नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे जो आते हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे मेढक सांप सर्प गिद्ध भेड़िया इस टाइप के आते हैं, जो इनको दूसरे उपभोक्ता पे निर्भर करते हैं। और चौथे नंबर पे वो आते हैं बाघ शेर कह सकते हैं, इसमें आप नेवला भी बोल सकते हैं जो आपको सर्प को खाने का में रहता है, उसी तरह से और भी कोई जानवर होता है तेंदुआ जो भी कह सकते हैं, जो तीसरे पे उपयुक्त है। और दूसरा जो उपयुक्ता होता है वो हरे पौधे पे होता है, तो पहले नंबर पे है। तो श्रृंखला को देख सकते हैं ऊपर की तरफ जाता है और सेम ऊपर की तरफ ये श्रृंखला को बनने को क्या बोलते थे हमने, खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और ये आपको 8 क्लास से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें नाम बदल बदल के प्रश्न आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि श्रृंखला के स्तर पर कौन है, तो उसका आपको याद रखना है भोजन। अगर आपको उनके भोजन के टाइप को आपने याद कर लिया तो स्टेज आप पता कर लेंगे कि वो किस स्टेज पे है, प्रथम स्टेज पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। उसके बाद आखिरी प्रश्न है, थोड़ी सी ऊर्जा के बारे में है, उसके बाद अगले वीडियो में हम आएंगे। तो यहाँ नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन की बात होती है, तो इससे एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि पेट्रोलियम या लकड़ी किस टाइप का ऊर्जा है, तो आप ध्यान देना है, सारे चीज़ों को एक एक करके आपको देखना है। तो सबसे पहले नवीनीकरण ऊर्जा में सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बायो ऊर्जा, भूतापीय, पवन, ज्वारीय और कचरे से उत्पादित ऊर्जा को नवीनीकरण ऊर्जा किए जाते हैं। और कहने का कारण यह है कि ये कभी समाप्त नहीं होता, यानी इसकी रिसाइकल की जा सकती है और एक के बाद एक दूसरा इसका स्रोत बना होता है। लेकिन अनवीनीकरणीय का ऊर्जा का क्या होता है, एक बार अगर आपने यूज कर लिया तो ये ख़त्म हो जाता है, जिसका एक लिमिटेड सोर्स है और उसी सोर्स पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और इसी में दूसरे टाइप का ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा और सेल ऊर्जा। तो ये चारों ऊर्जा के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको आगे भी पढ़ना होगा, कितना परसेंटेज होता है, किसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, कौन सा टाइप ऊर्जा हमारा क्लीन एनर्जी में आता है, कौन सा हमारा ऊर्जा, तो क्लीन एनर्जी की यहीं बात कर लेते हैं। तो क्लीन एनर्जी में जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स होते हैं, ये स्वच्छ ईंधन कहा जाता है इसे, तो ये भी आप याद रखिएगा, स्वच्छ ईंधन। और ये सारे प्रदूषक ईंधन के रूप में आते हैं। इस टाइप की ऊर्जा के जलने के बाद कुछ कचरा निकलता है और कुछ गैस निकलते हैं, कुछ धुआं निकलते हैं जो प्रदूषक के रूप में होते हैं। और परमाणु ऊर्जा में कहते हैं कि लोग कि ये स्वच्छ ईंधन है, तो स्वच्छ नहीं है, इसमें भी आपको रेडिएशन वगैरह का जो हमारा प्रदूषण लेवल होता है ये भी होता है, लेकिन इसमें जो मटेरियल यूज करते हैं वो हम कम यूज करते हैं, जिसके कारण से ये और इसकी क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए परमाणु ऊर्जा के नहीं होते हैं। और सबसे ज़्यादा कहें तो कोयला सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है, उसके बाद पेट्रोलियम है, उसके बाद प्राकृतिक गैस है, और सबसे कम में कहें तो परमाणु ऊर्जा से प्रदूषण होता है, लेकिन इसका कंट्रोलिंग एंड कंट्रोल और इसका उत्पादन थोड़ा डिफिकल्ट है और उत्पादन करने की तकनीक महंगा है, बिजली सस्ती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे टॉपिक होता है, ये टॉपिक से आपके प्रश्न आ सकते हैं। और मिलते हैं पार्ट टू में, जिसमें पार्ट टू में हम थोड़ी सी और न्यूमेरिकल प्रश्न लेंगे और कुछ कंसेप्ट को लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।